यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट भौतिक विज्ञान की परीक्षा 4 मार्च को दूसरी पाली में होगी। इसके लिए विषय वस्तु को दोहराना अभी से शुरू कर देना चाहिए, खासकर सूत्रों और उसके निगमन का अभ्यास जरूरी है। अच्छे अंक के लिए प्रश्नों का उत्तर लिखते समय मात्रक अवश्य लिखें। भौतिक विज्ञान के प्रश्न पत्र में उत्तर लिखने के लिए 3 घंटे एवं प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। बाल विकास इंटर कॉलेज नैनी के भौतिक विज्ञान के प्रवक्ता देवेंद्र शुक्ल के अनुसार आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए सूत्रों की सूची बनाकर याद करें। दीर्घ उत्तरी प्रश्नों में सूत्रों के निगमन को कई बार लिखें, उन्हें समयबद्ध तरीके से लिखने का अभ्यास करना चाहिए। इस विषय की लिखित परीक्षा 70 अंकों की होगी। भौतिक विज्ञान के प्रश्न पत्र के खंड ब में प्रकाशिकी से 13 अंक, परमाणु तथा नाभिक से 8-8 व द्रव्य और द्वैत प्रकृति से 6 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। 1 अंक के 6 बहुविकल्पी, 1 अंक के 6 अतिलघुत्तरी, 2 अंकों के 4 व 3 अंकों के 10 लघु उत्तरीय, 4 दीर्घ उत्तरी प्रश्न पूछे जाएंगे। वैद्युत, द्विध्रुव, गास्की, प्रमेय, समांतर प्लेट, संधारित्र, किरचॉफ के नियम, व्हीटस्टोन सेतु, बायोसेवर्ट नियम, एम्पियर का नियम, फैराडे के चुंबकीय प्रेरण के नियम, LCR परिपथ, ट्रांसफॉर्मर, लेंस निर्माताओं का सूत्र, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र, दूरदर्शी, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, व्यतिकरण, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, बोर का परमाणु मॉडल जैसे पाठों को जरूर पढ़ें। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य जरूरी बातें हैं जिनका ध्यान रखते हुए आप भौतिक विज्ञान में अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं, जैसे पढ़ने के बजाय लिखकर उत्तर देने का अभ्यास करें, महत्वपूर्ण सूत्रों की सूची तैयार कर उसे देखते व पढ़ते रहें, सबसे पहले उन प्रश्नों के उत्तर दें जो आपको अच्छे से आते हों, अंतिम पाठों को थोड़ा पढ़कर अधिक अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। NCERT के अतिरिक्त रेफरेंस बुक के आंकिक प्रश्नों का अभ्यास जरूर करें। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को तय समय सीमा के भीतर हल करने का भी अभ्यास करें।